हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बहुत ही हेल्पफुल वीडियो के बारे में। ये है एक गिलास ऑफ वाटर, जी यस, एक गिलास पानी का। इसके यूजेस क्या हैं ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यूजेस तो सबको पता है, पानी है, यूजेस सब जानते हैं, लेकिन इसका सही टाइम क्या है पानी पीने का। आई नो कि बहुत ही अटपटा सा ये बात लग रही होगी आपको कि पानी का भी एक टाइम होता है, तो अगर हम डीपली जाएं तो बहुत सारी चीज़ों के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी होते हैं जो कि बहुत मैंडेटरी होते हैं हमारी लाइफ में, जिसे हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कुछ प्रॉब्लम जो हम आजकल देखने को मिल रही है हमें बहुत ही कम एज में, तो वो कुछ ना कुछ एक ऐसे रीज़न्स हैं जो हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं प्रॉपर वे में। डाइट खाना हम सब खाते हैं, आप भी खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, लेकिन किसी किसी की हेल्थ बहुत अच्छी होती है, किसी किसी की हेल्थ बहुत ख़राब होती है। रीज़न वो जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, आप हेल्दी फूड ज़्यादा खाते होंगे, या मैं हेल्दी फूड कम खा रही हूँ, जंक फूड ज़्यादा खा रही हूँ, तो इससे क्या होता है ना, हमारी जो हेल्थ है वो अलग अलग प्रॉब्लम्स को फेस करती है। तो ये तो बात होगी कि एक हर चीज़ का एक तरीका होता है जिसे हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है। पानी पीने का भी एक बेस्ट टाइम होता है, अगर आप इसे फॉलो कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिलते हैं आने वाली एज में, वो बहुत हद तक आप कम कर सकते हो। तो हम बात करें कुछ ऐसे बेस्ट टाइम्स जिसमें हमें पानी पीना मस्ट है या इसे हमें अवॉइड करना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट है, जब भी आप सो के उठते हो तो सबसे पहले पानी का गिलास हमें पीना बहुत ज़रूरी है। अब ठीक है, सबने कहा है पीना ज़रूरी है तो पियेंगे, पीछे रीज़न क्या है ये मैं आज आपको बताऊंगी। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। तो जब आप पानी नहीं पियोगे और अपना काम शुरू कर दोगे, लाइक जैसे आपने एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, बहुत सारे एक्टिविटीज़ आप अगर उठते ही तुरंत करने लग जाते हो, तो वो गलत इफ़ेक्ट देगा, या फिर आप कह सकते हैं कि वो जल्दी से वर्क नहीं करेगा। पहले आपको अपने इंटरनल ऑर्गन्स को जो है एक्टिवेट करना होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक गिलास पानी पीना होगा। नॉर्मल वार्म वाटर भी आप पी सकते हो, नॉर्मल पानी भी पी सकते हो, ठंडा तो बिल्कुल नहीं पीना है सुबह सुबह। तो जो हमारे इंटरनली ऑर्गन्स है उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें मॉर्निंग में एक गिलास पीना बहुत ज़रूरी है। सेकंड जो गिलास होगा हमें सही समय पे पीना है वो है, हाँ, तो अब उसके बीच में आप कभी भी पानी कभी भी पियो उसका कोई वो नहीं है, लेकिन मैं एक पॉइंट्स बता दूँ जिसमें आपको ध्यान रखना है कि पानी कब पीना है कब नहीं पीना है, ये उस पॉइंट्स पे है। वैसे ये बहुत ज़रूरी है, ये बात आप ध्यान रखें कि आपको पूरे दिन में दो एक से डेढ़ से दो लीटर पानी बहुत पीना ज़रूरी है। तो लेकिन वो आप पिए, लेकिन जब आप ये सब चीज़ें पॉइंट्स जो मैं आपको आगे बताऊंगी उस पर भी ध्यान आपको देना होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि जब भी आप खाना खा रहे हैं, अपना लंच डिनर या फिर ब्रेकफास्ट, तो लंच डिनर आप जो भी अपना मील ले रहे हैं उस मील से हाफ एन आवर पहले आपको एक गिलास पानी पी लेना चाहिए। जी यस, खाना खाने के बाद तो आपको पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, लेकिन खाना खाने के आधे घंटे पहले, 20 मिनट पहले आपको पानी पी लेना चाहिए। रीज़न ये है, मतलब इसका फ़ायदा ये है कि जो आपके डाइजेस्टिंग सिस्टम है उसको इम्प्रूव करता है, डाइजेस्ट करने के लिए आपके मील को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रखता है ये, क्योंकि जो हमारा इंजेशन है वो हेल्प करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो इसलिए आपको अपने मील से हाफ एन आवर पहले एक गिलास पानी पीना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आपको पता है कि जब हम नहाने जा रहे होते हैं तो हमें उससे पहले भी पानी पी लेना चाहिए। जी यस, मे बी शायद कुछ पॉइंट्स आपको अटपटे लगेंगे, लेकिन ये फैक्ट है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जो आपका ब्लड प्रेशर होगा ना, यानी कि जो आपका बीपी होगा, उसको लो करने के लिए, यानी कि बैलेंस करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है कि अगर आप नहाने से पहले पानी पी लेते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जब भी आप नहाने जा रहे हो उससे थोड़ी देर पहले आप पानी पी लें। जो आपका बीपी अगर हाई है या आपका बीपी इनबैलेंस हो रहा है, तो वो बैलेंस करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे हम। जब भी आप सिक हैं, आप फील कर रहे हैं कि आप सिक हैं, तो आपको एक गिलास पानी पी लेना चाहिए उस टाइम पे। रीज़न ये होता है कि बॉडी को ये प्रॉपर हाइड्रेट करता है। अगर आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो आपके फंक्शंस जो है वो अच्छे से वर्क करेंगे, और आप जो सिकनेस ही फील कर रहे हैं वो आप उसको
आपके लिए हेल्प होगी काफ़ी। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सिक फील कर रहे हैं तो आपको पानी पीते रहना चाहिए उस दौरान। नेक्स्ट बढ़ेंगे कि जब आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक गिलास पानी पी लेना है। जी है बिल्कुल, जब भी हम थक कर आते हैं तो ऑब्वियसली हम पानी पीते हैं, लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है मैं आपको बता देती हूँ, या इसके हेल्प इसके फ़ायदे क्या हैं। जब भी हम थके हुए होते हैं हमें पानी पी लेना चाहिए। वो रीज़न ये होता है इसका कि जब भी हम अपने आप को टायर्ड फील कर रहे होते हैं ना, तो हमारा जो रिचार्ज सिस्टम जो है वो एक तरह से रिचार्ज हो जाता है। अगर हम बहुत ही नॉर्मल वे में बोलें तो हमारा जो सिस्टम है वो बूस्टअप हो जाता है, एक तरह से एक एनर्जी मिल जाती है, जिससे हम टायर्ड सा फील कर रहे होते हैं तो एक गिलास पानी पीने से अपने आप को हम रिफ्रेश फील करते हैं। ठीक है, होता है जब भी हम थके हुए होते हैं, जैसे मैं जब कभी भी थकी हुई हो रही हूँ, काम कर रही हूँ और मन नहीं लग रहा है, तो 2-3 सिप पानी के घुट लिए मैंने और मुझे बहुत अच्छे से जो है एनर्जी मिल जाती है। नॉट दैट की बहुत अच्छे लेवल पे मिल जाती है, लेकिन हाँ मेरे को एक एनर्जेटिक सी फील होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप लो हो रहे हो, गर्मियों का टाइम है, सर्दियों में भी आप ले सकते हो, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गर्मी में आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे हो तो आप ग्लूकोज पी सकते हो उसको मिक्स करके, तो तभी आप देखते हो कितना एनर्जेटिक आप फील करते हो। तो ये स्टेप्स हैं जो पानी कब पीने का एक बेस्ट टाइम भी होता है। तो आप पानी पीने का एक बेस्ट टाइम ये ध्यान रखें इन चीज़ों का, जिससे आपके जो इंटरनली पार्ट्स हैं वो इम्प्रूव हो सकें। बहुत हद तक हम अपने आप को जो है कोशिश करेंगे कि हमारे जो भी थोड़े बहुत हमारी गलतियों की वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं, या बहुत गलतियों की वजह से हमारे जो अभी ऐसी एज नहीं है लेकिन हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है, दर्द, पैरों के दर्द, थकान, तो ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी, इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, नहीं शेयर जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।